फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास फाइव की मैथ का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1D, जो कि है रोमन नंबर्स। इसमें क्या है? रोमन नंबर्स, जिसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। इस रोमन नंबर में टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 7 सिंबल्स होते हैं। और आप लोगों ने जो है ये सारा सिंबल पढ़ चुका है। आज हम उसी का क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि हम जो नंबर सिस्टम लिखते हैं, जिसे काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर कहा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के जो लिखते हैं, उसे हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, और उसी को जो है सो रोमन में लिखना है। ठीक है, तो ये IVXLC ये सब जो है रोमन नंबर है। ठीक, हम लोग जो लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक नंबर है, और ऊपर में जो दिया गया है वो रोमन नंबर है। ठीक है, तो आज हमें ये रोमन नंबर बनाना सीखना है। उसके लिए हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टोटल 7 सिंबल हमें याद रहना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि यहाँ देखिए, 1 का रोमन सिंबल होता है I। ठीक है, जिसको हम 3 times रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 1 times मतलब एक बार लिखेंगे तो 1 होगा, 2 बार लिखेंगे तो 2 होगा, और 3 बार लिखेंगे तो I को 3 बार लिखेंगे तो 3 होगा। चलिए अब 5 को रोमन में भी लिखा जाता है, और इसको रिपीट जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जाता है, ये एक बार ही लिखा जाता है। 5 है तो 5, समझ में आया। लेकिन इससे पहले का अगर कहेगा लिखने के लिए, इससे पहले का कहेगा लिखने के लिए या इसके बाद, तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, I माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 10 को x लिखा जाता है, जिसे हम 3 times रिपीट कर सकते हैं। 1 बार लिखेंगे तो 10, 2 बार लिखेंगे तो 10 और 10 20, और 3 बार लिखेंगे तो 30। इसके बाद 50 आता है, 50 को l से डिनोट किया जाता है, और इसे भी रिपीट नहीं किया जा सकता है। मतलब 50 को, यानी कि l को एक ही बार लिखा जा सकता है, 2 बार लिखा नहीं जा सकता है, 3 बार लिखा नहीं जा सकता है। फिर अब आते हैं 100 पर, 100 को सी से डिनोट किया जाता है रोमन नंबर में, और इसे 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये 1 सी का मतलब 100, 2 सी का मतलब 200, और 3 सी का मतलब 300। चलिए आते हैं 500 की ओर, 500 को रोमन में डी से डिनोट किया जा सकता दिया जाता है, और इसे रिपीट नहीं किया जा सकता। एम को, ये एम है रोमन नंबर में, जिसका हिंदू अरेबिक नंबर 1000 होता है, यानी 1000 को एम से डिनोट करते हैं, और इसे भी 3 times जो है डिनोट कर सकते हैं। 3 times मतलब 3000। ओके, तो अब चलते हैं सो एक्सरसाइज पर। तो हमारे लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया गया है, कह रहा है फिल द फॉलोइंग सिंबल इन द बॉक्सेस। इस बॉक्स में जो है ये सिंबल, जो 3 तरह का सिंबल है, वो भरना है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 दिया गया है, 3x का मतलब 30 हो गया, और ये 5 से पहले आई है, इसका मतलब 5 से एक कम कह रहा है, तो 5 से 1 कम कितना होता है, 4, तो 34 ये हो गया हमारा 34। अब ये कितना है, 2x का मतलब 20, और ये 5 के बाद है आई, तो ये 5 के बाद मतलब 5 plus 1 6 हो गया, तो 26। दोनों में बड़ा आप देख रहे हैं, 34 बड़ा है, तो ये हम सिंबल इस तरह का लगाएंगे। वहीं पर ये कितना है, डबल एक्स मतलब 25 और 2 27। और यहाँ पर क्या है, एल का आपको याद होगा कि एल को हम क्या कहते हैं, 50 कहते हैं, प्लस 5 55 हो गया, तो ये हो गया 55। दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा होगा। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या कि इस तरह से जो बाकी क्वेश्चन है उसे आप लिखिएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो पेयर्स दिया गया, यानी जोड़ा दिया गया, यानी कि दो दो नंबर दिया गया है, उसमें जो करेक्ट है उसे टिक करना है। जैसे हम आपको बताए थे कि भी को डबल टाइम नहीं, मतलब रिपीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्स को किया जा सकता है, यानी कि यह नंबर सही है। ओके, उसी तरह आई को 3 times रिपीट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 times इसमें रिपीट किया गया, तो ये गलत हो गया, और ये हमारा सही है। ओके, इस तरह से आपको जो है सही को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। इस सब को रोमन नंबर में लिखना है। जैसे ये 27 है, 27 को हम क्या लिखते हैं, तो जरा हम इसके लिए कॉपी का यूज कर सकते हैं। चाहिए देखते हैं, 27 को हम लिखते हैं, सो 20 plus 7। ओके, तो 20 को हम रोमन में लिखते हैं डबल एक्स, ये हो गया 20,
और सेवन को लिखते हैं क्या, वी आई आई, वी का मतलब फाइव प्लस टू, ओके, तो 25 प्लस टू 27 हो गया। इसके बाद जो है उसी तरह यहाँ पर दिया गया 66, तो यहाँ पर लिखेंगे 66 को क्या लिखते हैं, 50 प्लस 16, 50 को क्या लिखते हैं, L से, L का मतलब 50 और 16 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 6, ठीक है, तो 50 और 10 60 और 6 लिखना है, तो 5 और 1 6, समझ में आ गया। इस तरह से ये हमारा नंबर तैयार हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से बन जाएगा। ये हमें रोमन में चेंज करना था, हमारा जो ये नंबर है वो हिंदू अरेबिक नंबर है और इसे रोमन में चेंज करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, रोमन नंबर में दिया गया है और इसे हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर डबल एक्स है और आई भी है, ऐसा नंबर जो है आपको पहले भी बता चुके हैं, डबल एक्स का मतलब 20 और फाइव, भी का मतलब 5 होता है, भी से पहले आई है मतलब 5 से 1 कम है, 24 हो जाएगा ये। इस तरह यहाँ पर कितना है, 3x का मतलब 30 और v का मतलब 5, 35 उसमें भी 3 है, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर तैयार हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड क्रॉस आउट रॉन्ग नंबर्स इन ईच, कह रहा है इसको देखना के, देखने के लिए जो गलत है उसको काट देने के लिए कह रहा है, ओके। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ये कितना है 50 और 2, 52, ये है 54, 56, यानी 52, 54, 56 कितना लिखा है, चलिए लिख ही लेते हैं 52, इसमें नहीं कॉपी में लिख लेते हैं 52, 54, 56, उसके बाद क्या है 59, उसके बाद क्या है 58। आपको देखिए इस क्वेश्चन को रीड करने पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है 2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 52 के बाद 2 अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये 52 के बाद 54 हो गया, 54 के बाद 56 हो गया, 56 के बाद क्या होना चाहिए था, 58 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 59, तो इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना, यही ना कह रहा है, क्रॉस आउट द रॉन्ग नंबर्स, तो जो रॉन्ग नंबर्स है उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, तो हम लीजिए क्रॉस कर देते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को बनाना है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन रोमन, इसको सॉल्व करना है और रोमन में ही आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लेते हैं, एक्स मतलब जो है यहां दिया गया है क्या चीज, एक्स वी आई 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 प्लस एल वी आई, ओके। देखिए अब x भी आई आई, x का मतलब हो गया 10, 5, 15, 16, 17, 18, यानी कि 18 प्लस, अब ये कितना है 50 प्लस 5, 55 और 1, 56, तो हो गया 56, दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो 8, 6, 14, कैरी 1, 5 और 1, 6 और 1, 7, ओके, तो हो गया 74, और 74 को क्या लिखा जाता है रोमन में, L मीन्स 50, 60, 70, अब 4 लिखना है, 4, तो हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही चीज इसमें नोट कर देना है, ओके। चलिए नोट करते हैं L X X I V, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो अगर आपसे जो है ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं बने तो आप पहले हिंदू अरेबिक में नोट करके आंसर निकाल लीजिएगा, उसका इसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक, इस क्वेश्चन के ठीक नीचे में ये काम कीजिएगा तो आपको भी सहायता मिलेगा चेक करने में और बनाने में, हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं हमारा जो एक्सरसाइज था वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक। अब नीचे दिया गया है टाइम टू रिव्यू, टाइम टू रिव्यू में क्या है कि इस चैप्टर, आप जो चैप्टर पढ़े हैं एक्सरसाइज 1, चैप्टर नंबर 1 जिसमें ए बी सी और डी, इतना एक्सरसाइज था, 4 एक्सरसाइज था और चारों एक्सरसाइज में जितना तरह का अलग अलग प्रकार का जो है, अलग अलग टाइप्स का जो है क्वेश्चन था, उस सारे क्वेश्चन को में से कुछ कुछ क्वेश्चन को जो है इसमें डाल दिया गया है ताकि एक तरह से ये टेस्ट का क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से बना लीजिएगा घर पर, हो सकता है कि ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, और इसके साथ ही एमसीक्यू का जो क्वेश्चन दिया गया है इसे भी आप बनाइएगा, क्योंकि ये दोनों जो है टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन तैयार करते हैं
उस सब का क्वेश्चन है जिसे पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक। और ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपको क्वेश्चन पहले से तैयार करके मिल रहा है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आसानी से और अच्छे से बनाइएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।